पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के आकाशी पंचायत अंतर्गत करमटोला गांव में वज्रपात से चार मवेशी की मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है। साहिबगंज में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चितरंजन कुमार ने मिर्जा चौकी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त श्री कुमार ने कहा कि जिले के सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे दंडाधिकारी और पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्त रहेंगे। आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा गोड्डा स्थित अपने निजी आवास में केक काटकर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। पोड़ैयाहाट में मंगलवार को अंचलाधिकारी विनोद राम, थाना प्रभारी शैलेंद्र ठाकुर ने जिला प्रशासन के आदेशानुसार बिना मास्क लगाए लोगों से 2400 रुपए जुर्माना वसूला। कार ट्रक को भी हम लोग रोक रहे, जिसका मास्क नहीं उसको 100 रुपया पहली बार हम लोग फाइन दे रहे हैं, दूसरी बार पकड़ाए जाने पर 500 है। जो कानून का जो आपदा पर हमारे थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में सभी पुलिस निरीक्षक के साथ मासिक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा क्रम में अपने प्रभाग के थाने का निरीक्षण, कांडों के प्रगति, प्रतिवेदन, अपराध अनुसंधान विभाग के नए प्रपत्र के अनुरूप की जा रही है कि नहीं, लंबित यूडी कांड, वर्तमान पूर्व माह में प्रतिवेदित निष्पादित कांडों में अंतिम प्रपत्र एवं अन्य से संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक गोड्डा वाईएस रमेश के द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में आम जनों की फरियाद को सुना गया तथा उचित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दिए गए। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु सभी आगंतुकों को हैंड सैनिटाइज व थर्मल स्क्रीनिंग कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाते हुए फरियाद सुनी गई। समाहरणालय स्थित अपने कक्ष में उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में महोदय के द्वारा कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए सिविल सर्जन गोड्डा श्री प्रसाद मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जिले में चलाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया।